हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। गोइंग टू जाम शामली। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जाम शामली, जो छिंदवाड़ा से 75 किलोमीटर है और रोड भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम जाम शामली की आ ही गए हैं, पास में 1 किलोमीटर पीछे है और पास में आ ही गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये आपको मिल जाता है प्रवेश द्वार, यहाँ पर लिखा हुआ है जाम शामली गेट मिल जाता है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को। तो ये गेट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जाम शामली पूरा निकल गया, तो ये निकल गया, बाद में पढ़ लेंगे। हम प्रवेश कर चुके हैं जाम शामली पर दोस्तों। वहाँ पर बताते हैं, हालांकि मैंने अभी देखा नहीं हूँ, तो वहाँ पर बताते हैं कि पीपल का पेड़ के नीचे हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं। अभी हम जा रहे हैं, सब देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। दोस्तों हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है एक जगह पे, अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे, घूमते घूमते यहाँ का सीन देखते देखते जाएंगे आगे की ओर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकान देखने को मिल जाती है, जिससे आप दुकान में सामान खरीद सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकान है यहाँ पर, जो आप मन चाहे सामान खरीद सकते हैं यहाँ से। दोस्तों इधर आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, हालांकि हम तो अभी गाड़ी से आए हैं। जाम शामली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते समय इस जगह पर विश्राम किए थे, और महाभारत काल में भीम का गर्भ हरण किया था वो इसी जगह पर किया था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं और दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर एक भैया ने बताए, मतलब कि हमने उनसे पूछे कि यहाँ पर रुकने का साधन कैसा है, तो उनने बताया कि यहाँ पर रुकने का साधन है, फैमिली रूम में मिल जाएगा और सिंगल है तो सिंगल रूम भी मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। मंदिर पर भी रुक सकते हैं। यहाँ पर लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और हम भी दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा सीन है दोस्तों यहाँ का, यहाँ पर हर एक जगह पर तख्ती लगी हुई है इस तरह से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। इस तरह से आपको हर एक जगह पर तख्ती मिलेगी। यहाँ पर लिखा है, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पर तख्ती में लिखा हुआ है और मज़ा भी आता है ऐसे पढ़ने में।
मंदिर के पास में मैं आ चुका हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है, आरती हो रही लगता है वहाँ पर, तो आवाज़ आ रही है वहाँ से। इस तरह से हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है, देख सकते हैं आप। दोस्तों हम मंदिर पर प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर थोड़ा अंधेरा बहुत है, यहाँ पर नारियल फूट रहे हैं। दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर भी आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।